हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाले हैं NS 125 के बारे में। भाई ये खड़ी रेड कलर की NS 125, एक बार छोटा सा एक वॉक अराउंड दे देता हूं मैं। ये देखो भाई आगे से लुक देखो, इस भाई ने वैसे आगे से टेपिंग करा रखी है तो थोड़ी सी लुक अलग लग रही है। और भाई साइड से देखो पूरी भाई ने चमका रखी है। रिसेंटली अभी आजकल में सर्विस कराई है इसकी, है ना भाई? एक हफ्ते पहले सर्विस कराई है और अभी तक चमक रही है। अच्छा खड़ी हुई थी भाई एक हफ्ते पहले सर्विस कराई, उसके बाद देखो भाई इतनी चमका रखी है भाई ने, चमका के रखता है ऐसे तो भाई। ये देखो भाई साइड एंगल, और इसकी बेसिकली पावर फिगर्स बता देता हूँ मैं भाई। इसमें आता है 12 PS की पावर आती है विद 11 NM का टॉर्क। और बाकी की बातें करते हैं भाई इस भाई से कि इस भाई को कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से चला रहा है, कितनी चला ली, कितनी इस भाई ने टोटल भगा दी बाइक, और भी जितनी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन पूछेंगे इस भाई से। जी भाई, तो भाई ये बाइक कब परचेज करी थी सबसे पहला क्वेश्चन? भाई देखो परचेज मैंने करी थी 2022 में नवंबर के आसपास, नवंबर 2022। तो नवंबर में तो शायद प्राइस वगैरह थोड़े कम हो जाते हैं, शायद यही रीज़न था लेने का नवंबर में। नहीं ऐसा कुछ रीज़न नहीं था, ये रहा भाई तुरंत डिसीजन समझ ले। एक रात पहले मैं देख रहा था कि NS लेनी है, हम लोग शोरूम में विजिट करके आए एक दिन पहले लेने के सिर्फ, ठीक है। अच्छा, ब्लैक कलर पसंद आया, गए तो अवेलेबल नहीं था, उसके 3-4 दिन बाद ही गए हैं। रात को मैंने बोला सुबह आजा बाइक लेके चलना, बाइक लेने चलना है। अरे और भाई नेक्स्ट डे उठा के लिया है। तो रेड कलर कैसा ब्लैक है फिर? था नहीं क्योंकि भाई ब्लैक लेने गए। अच्छा ब्लैक लेने गए थे फिर? भाई अगर मैं रुक जाता कि ब्लैक लेंगे तो फिर घर वाले कुछ नहीं देते। तो भाई जितनी जल्दी मिल जाए उतना बेटर है ना, लेके खत्म करो कुछ तो लेके खत्म करो। और इस बाइक को कितना भगा दिया, मतलब एंट्री वाली बाइक में ना ये भगने वाली बाइक है कुल मिला के। तो इस बाइक टॉप स्पीड कितनी टच कर दी भाई? हाईवे में बता रहा हूँ मैंने 112 तक चलाई है अभी तक सिंगल, 112 और दो बिठा करके 110 लास्ट, 112 भाई सिंगल पे और 110 दो बिठा के लास्ट। उसके बाद जाती है क्योंकि भाई मैंने काफी वीडियोस में देखा है 115 116 की टॉप बताते हैं स्पीड, 115 116 मान सकते हो जाएगी, 115 116 इसकी टॉप स्पीड है। लेकिन इस भाई ने 112 तक भगाई, उससे आगे भी, उससे आगे नहीं मैंने। अच्छा रोडी खत्म हो गया। अच्छा रोडी खत्म हो गया, इतनी भगा लूं। तो भाई सबसे जो सबके मन में क्वेश्चन होगा कि भाई कितनी माइलेज दे रही है भाई, देखो एकदम असली वाली भाई, अपना प्रमोशन कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। तो भाई देखो मेरे चैनल पर चेक कर लेना, मैंने इसका पूरा माइलेज टेस्ट डाला हुआ है। हाँ। तो वहाँ पर निकली है इसकी माइलेज 45 की माइलेज, और जब वो भी जब मैंने इसको 80-85 चलाया है हाईवे पे भी, स्ट्रीट पे भी, हर जगह। हाँ मेरे भी चैनल में मैंने भी डाला। तो भाई आप एक मान लो अगर आप 50-60 तक चलाओगे ना, तो 50 से 55 के बीच में डेफिनेटली, 50 से 55 के बीच में मिल जाएगी अगर तुम इसे भगाने के पर्पज से चला रहे हो, मतलब जिगजैग वाला। बाकी भाई बहुत लोग बोलते हैं कम आ रही है, तो भाई देखो उसमें टायर प्रेशर भी होता है, मेंटेन रखो, सर्विसिंग करो, ग्रीस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं भाई। अभी बाकी आप पकड़ लो 50-55 एवरेज देगी 50-55 की एवरेज। तो भाई एवरेज 50-55 काफी डिसेंट एवरेज है, काफी सही एवरेज है। और जिस हिसाब से भगते हैं, जिस हिसाब से मैंने इसको चलाया, जिस हिसाब से इसकी पावर डिलीवरी है, उस हिसाब से तो भाई बहुत अच्छी इसकी माइलेज है भाई। 2022 में ली थी, अभी एक साल होने वाला है, 7 या 8 महीने हो गए इस बाइक, 7-8 महीनों में इस भाई ने टोटल कितनी बाइक चला ली, कितने किलोमीटर? ब्लैक टेप करवा लिया, शायद ना भी दिखे, आई विल ट्राई, दिखी जाए भाई। ये देखो पास से दिखा, इधर चढ़ा दो, देखो ये ओडोमीटर 9156 चला लिया मैंने, 9156 चला लिया। और भाई इन जितना कितना बताया, 7 से 8 महीने ना, 7 से 8 महीने हो गए, तो 7 से 8 महीनों में इसको 9000 चला लिया। ओवर द टाइम इसमें क्या अच्छी चीजें लगी, क्या बेकार चीज लगी, दोनों 5-5 बता दो। ठीक है, तो भाई पहले शुरुआत करते हैं मीठे से, मतलब अच्छे से। तो भाई पहले अच्छे से शुरुआत करते हैं। हाँ। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से भाई बताता हूँ, मेरे को सबसे लगा इसकी लुक्स एक बार दिखा दे भाई, लुक्स के नाम पे लुक्स ही दिखा देते हैं भाई। ये देखो इसने टेपिंग का मैंने पहले ही बता दिया भाई, इसकी लाइट्स है ना काफी स्पोर्टी लगते हैं, वी शेप में जो लाइट आती है इसकी ऊपर से। ये देखो भाई ये ग्राफिक्स है ना, ये ग्राफिक्स काफी सही लगते हैं। मीटर भी काफी डिसेंट है, मतलब एनालॉग वाला मीटर मेरे को स्पेसिफिकली, मेरे को पर्सनली काफी बढ़िया लगता है इसके अंदर, मेरे को एनालॉग वाला पर्सनली थोड़ा बढ़िया लगता है, उसमें थोड़ी फील आती है, जो मीटर जो घूमता है ना उसमें फील आ जाती है भाई, फील ले रहा भाई देख लो। तो भाई देखो पहली तो इसकी लुक ही हो गई, लुक तो भाई इसकी नो डाउट बहुत जबरदस्त है। दूसरा होगा पावर, पावर पिकअप बहुत अच्छा, पिकअप बहुत अच्छा है, दो चीज। और तीसरा भाई देखो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है ये क्लिप बार हैंडल्स। अच्छा मुझे जो ये डिजाइन लगता है ना भाई, ये वाला जो डिजाइन है काफी ज्यादा। और जो नेक्स्ट बात करें भाई वो इसकी एक माइलेज देखो, 125 सीसी की बाइक अच्छी खासी पावर डिलीवरी कर रही है, और 50 की एवरेज दे रही है, तो यार क्या है, बढ़िया तो है। 125 सीसी में अगर 50 की एवरेज मिल जाए भाई, ये तो है
तो फिर तो बढ़िया ही बात है यार। अभी इसके जो कंपटीशन में है रेडर 125 वो देखी थी, वो देखी थी, होंडा शाइन है, होंडा शाइन है, होंडा शाइन तो कैटेगरी से बाहर है, वो तो हटा दो। रेडर ना मेरे को थोड़ी सी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पीछे से थोड़ी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, क्योंकि डिजाइन, डिजाइन ही एक रीजन था वो भाई। डिजाइन जो है वो तो मतलब सब्जेक्टिव होता है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं भी आ सकता। मेरा एक ही था, वरना वो पैसों में भी कम है, पैसों में भी कम है। बेस्ट फीचर भी दे रहा है, सस्ते फीचर दे रहा है, लुक के चक्कर टीवीएस की मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगती है जो अभी उनमें साउंड आ रहा है ना, साउंड जो उनका एग्जॉस्ट साउंड है भाई, वो बहुत सही लगता है मेरे को। पर भाई मेरा यही लेनी थी, यही लेनी थी, होता ना कि एक एनएस चाहिए भाई। अच्छा, मतलब शुरू से सेट था कि एनएस ही चाहिए। चार चीज हो गई और एक आखिरी चीज, कोई बढ़िया चीज सोच के बता दो कि हाँ भाई ये बढ़िया चीज लगी। अगर छोटी हो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे को लगती है इंडियन रोड्स के हिसाब से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। अच्छा, जो कि सबसे ज्यादा है 178 mm है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। भाई ग्राउंड क्लियरेंस दिखा दें भाई, ये 178 mm है। क्या मतलब तो, कम किस कैसे लग रही है कि कहीं टच हो गई कि कैसे? हाँ, जैसे क्या होता है कि भाई दिल्ली की रोड का आपको हाल पता है, यहाँ रोडों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में गड्ढों में रोड बना रखी है। तो यार देखो, नीचे बाइक टच ना हो, अब तुम कितने भी बिठा लो इस पे, दो बिठा लो, तीन बिठा लो, बाइक नीचे टच नहीं होगी, पक्की बात है। ना ब्रेक लगेंगे ना कुछ, तो ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से भाई मेरे को जो सबसे बेस्ट लगी है कि काफी ऊंचाई है, ठीक है, दो तीन भी बैठ जाओ तो नीचे नहीं। और ये सीट थोड़ी सी ऊंची लग रही है भाई, इसका क्या भाई कुछ नहीं करवाई है, क्योंकि इसकी सीट ने काफी हार्ड आती है। अच्छा, अभी उसके उस पे भी आ जाएंगे, अभी उस पे भी आ जाएंगे कि भाई अभी क्या क्या मॉडिफिकेशन इसके अंदर करा चुके हैं हम। तो भाई पांच बढ़िया चीजें हो गई, अब पांच कोई बुरी चीजें बता दो इनकी। भाई बुरी मैं बताऊं तो सबसे पहला इसका वेट है, वेट 144 kg का सबसे ज्यादा वेट 125 cc की बाइक में ये। अच्छा, और कोई सी नहीं है जिसका वेट 144 kg हो, 125 mm। तो वेट से क्या फर्क पड़ा, मतलब ड्राइविंग राइडिंग पे फर्क पड़ा है क्या? एक तो पिकअप में, पिकअप में इशू आता है, दूसरा होगा माइलेज में, माइलेज में ऑब्वियसली फर्क आएगा। तीसरा तो ताकतवर तो भाई मैं हूं नहीं, थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब अगर पीछे बंदा बैठा है, हाईवे फंस गया ना, तो यार बड़ी प्रॉब्लम आती है इसको आगे पीछे करने में, मैनूवर करने में थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आती है। तो वेट इसका इशू, इसका वेट पहला इशू हो गया। और दूसरा तो भाई मेरे को जो इशू लगता है ना, इधर आ जाओ थोड़ा सा, इसके अंदर भाई ये नहीं दिया जाता, ये बाहर से लगवाना पड़ा है। अच्छा, इसके अलग कॉस्ट, ये साड़ी गार्ड जो है ये बाहर से लगवाया है। और इसकी क्या कॉस्टिंग है इसकी? ये 450 rupees का पड़ा था, मैं और भाई लगवाने, तो भाई ये 450 का मुझे पड़ा था भैया। ये एडिशनल खर्चा आने वाला है अगर साड़ी गार्ड का तुम सोच रहे हो, तो भाई ये लगवाना पड़ेगा अलग से। और भाई देखो, जो डिमांडिंग एक फीचर है जो हर बाइक में होना चाहिए यार, एलईडी सेटअप भी आ गया, टर्न सिग्नल। करेक्ट भाई, ये पूरे हैलोजन दे रखे हैं, इसकी लाइट भी हैलोजन आ रही है, आगे भी हैलोजन है, इसके नीचे के जो ये छोटे लाइट दी गई है ना, ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है। दिखा देता हूं मैं फिर भी, ये भी हैलोजन है भाई, देख लो एक मिनट, हां देख लो, सब हैलोजन दे रखा भाई। अब तो सब में एलईडी आ रही है, तो इसमें भी तो चेंज कर ही सकती है कंपनी यार, देना चाहिए था पैसे बढ़ा दो, 10-15 बढ़ा दो, लेकिन एलईडी मिल जाता तो बात ही लगती है। तीन चीजें हमने गिन ली और दो चीजें बची हैं मेजर मेजर, और दो चीजें बताऊं तो भाई देखो, एक इसका ना ये टर्निंग रेडियस, मानता हूं कि बार हैंडर दिए हैं, 40 फीट दिए हैं, लेकिन यार पता है मैं अगर इसको भी मोड़ने चलू ना, हाँ, तो मुझे तो कितने टर्न लेने पड़ जाएंगे, एक बार में मोड़ने सकती है भाई, मतलब बैक करनी पड़ेगी बार बार, बहुत बार आगे पीछे से करना पड़ेगा। टर्निंग रेडियस भाई इसका थोड़ा सा पुअर है एज कम्पेयर टू अदर, काफी कम है यार। और चौथी या पांचवी चीज, अभी जो लास्ट पांचवी चीज, हाँ भाई पांचवी चीज बताऊं ना, इसकी मेंटेनेंस, ओहो ठीक है, वैसे डिपेंड करता है बंदा कैसे चलाता है, हाँ। लेकिन मैं सही बताऊं, मैंने अभी थर्ड सर्विस करवाई है भाई, फिर से कर दूं प्रमोशन अपना, हाँ। भाई मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है, थर्ड सर्विस करवाई है, लिंक डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा चैनल का। 3000 rupees की सर्विस आई है, इतने की भाई R15 की भी नहीं होती। भाई ये भाई भी लाइन में लगा, तू भी बोल दे भाई, मेरे भी चैनल है युगांश जयंत के नाम से, एक मिनट होल्ड करना, मेरा भी चैनल है युगांश जयंत के नाम से, उस पर भी मैंने इसका काफी कुछ कवर कर रखा है, डिस्क्रिप्शन भाई लिंक डाल देगा, जाके चेक करो सब्सक्राइब। रिपोर्ट अब दो, अब दोनों के दोनों ना भाई मेरे को 500 rupees पेटीएम कर देना, ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई सर्विस कॉस्ट की बात कर रहा था मैं इसकी, हाँ। थर्ड सर्विस मेरे को 3000 की पड़ी है, 3000 की सर्विस कॉस्ट, हाँ। और इतनी सही बताऊं, दो R15 हो जाएंगे इतने में, खुद R15 वालों ने कमेंट डाला, चेक कर लेना कि R15 की सर्विस दो हो जाएंगी 3000 rupees में। भाई अभी टोयोटा ग्लांजा की मैंने वीडियो डाली नहीं है, उसकी सर्विस जो हमने कराई थी ना, उसके 5000 rupees लगे थे हमारे भाई, वो गाड़ी है, गाड़ी के 5000 लगे हैं भाई, और ये बाइक के 3000 rupees लग रहे हैं, और उसने भाई सिर्फ एयर फिल्टर चेंज किया था, उसके अलावा सब नॉर्मल हुआ है, ग्रीसिंग वगैरह, कार्बोरेटर क्लीनिंग, लेकिन भाई मुझे 3000 ना 125 cc के हिसाब से बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। सर्विस सेंटर चेंज करके देखा? सर्विस सेंटर चेंज छोड़ो, मैं सर्विस सेंटर ही छोड़ दूंगा सर्विस का। भाई ये सबसे मेजर मेरे को अभी तक का इसका ड्रॉबैक यही लगा भाई, इसकी जो सर्विस कॉस्टिंग है ना बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है।
तो भाई ऐसा कुछ था हमारा NS 125 का ओनरशिप रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन है माइंड में जो कि पूछता हूँ NS 125 से रिलेटेड, तो भाई कमेंट कर दो, फटाफट से आंसर कर दूंगा मैं। और बाकी भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।